chúng ta cái club đó là một cái club em cô. जब से सरकार की तरफ से ये स्पष्ट हो गया कि वो माओवादियों के ना आड़ में आदिवासी बहुल क्षेत्र में आदिवासियों के खिलाफ उनकी ज़मीन हड़पने की जो लड़ाई है वो और तेज़ करने वाले हैं, तब से दिल्ली और अन्य शहरों में काफ़ी कुछ सरगर्मी बढ़ी है और उसके विरोध में स्वर उठने लगे हैं। अलग अलग मीटिंग्स हुई है और अलग अलग तरीके से लोगों ने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करी है, उसी में आज की ये जो धरना है ये भी उसी का हिस्सा है। देखिए, पिछले कई वर्षों से ये स्पष्ट हो दिख रहा था कि जो भी आदिवासी क्षेत्र से आदिवासियों के जो मूल्य डिमांड है मांगे रही हैं, खास करके उनकी ज़मीन जो हड़पी जा रही थी उसके विरोध में, जब जंगल से जो उनको विस्थापित किया जा रहा था उसके विरोध में, उनके जो नदियां और पानी के जो स्रोत थे उनका जो निजीकरण हो रहा था उसके खिलाफ जब भी उन्होंने लड़ाई लड़ी और कानूनी तौर पर उन्होंने लड़ने की कोशिश करी, वो कचहरी गए, ज्ञापन दिए, उन्होंने अलग अलग स्तर पर अपनी लॉबिंग करी, लोगों तक और अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करी, कभी भी जूं तक नहीं रहेगी। आज 60 साल हो गए हैं आदिवासियों से देश के विकास के नाम पर उनकी बड़ी तादाद में ज़मीन छीनी गई। 60 साल का इतिहास बताता है कि न तो उन्हें कभी उचित मुआवजा मिला, ना उन लोगों को कभी कोई रोज़गार दिया गया और ना उन लोगों का विकास हो पाया। उस पूरे क्षेत्र में कोई विकास नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आप कोई भी आंकड़े उठा के देख लें, अगर हिंदुस्तान की आज वो 134वें स्थान में है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, तो आप पाएंगे आदिवासी क्षेत्र को आप अलग से देखें तो आप पाएंगे कि वो उस वहाँ की परिस्थितियाँ इससे भी बदतर हैं। अगर देश में 45% बच्चे 0 से 6 वर्ष की आयु तक के मेल न्यूट्रिशन, मेल नरिशमेंट और स्टंटेड ग्रोथ के शिकार हैं, तो आदिवासी बहुल क्षेत्र में इनकी संख्या 60 से भी ऊपर हो जाती है।